चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई का एक पुराना 100 साल पुराना फोटोग्राफ हम सेम एंगल से कंपेयर करेंगे तो 100 साल पहले ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। अभी आप देखिए, ये जो राइट हैंड साइड वाला बिल्डिंग है ये है चर्च गेट, उसके सामने एक पुरानी बिल्डिंग और है और उस पुरानी बिल्डिंग के बगल में दो नई बिल्डिंग भी बन गई हैं जिन पे आप मोबाइल टावर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो मोबाइल टावर उस बिल्डिंग पे है। तो लेकिन ये उस दोनों बिल्डिंग्स उस समय नहीं थी। देखिए आज की डेट में वो बिल्डिंग आपको दिख रही हैं, उस समय वो दोनों बिल्डिंगें नहीं थी, सिर्फ उस समय चर्च गेट और चर्च गेट के सामने वाली बिल्डिंग थी। और चर्च गेट के बगल में ही आपको जो आज की डेट में इस फोटोग्राफ में फ्लोरा फाउंटेन दिख रहा है, वो फ्लोरा फाउंटेन आज से करीब 100 साल पहले कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। देखिए रोड्स उस टाइम इतनी नैरा डेवलप नहीं थी, आज की डेट में देखिए सारी रोड्स बन चुकी हैं। फ्लोरा फाउंटेन के बगल में आपको पार्किंग भी दिख रही होगी, उसके अलावा फ्लोरा फाउंटेन के सामने से होती हुई रोड आगे एक इन्फिनिटी में जा रही है, आप देखिए वो रोड उस टाइम भी थी। जो मेन चीज आपको देखने को मिल रही है वो इसके अंदर ये दिख रही है कि आप देखिए पेड़ आज भी वहाँ पे उतने ही हैं, हालांकि उससे ज़्यादा घने हो चुके हैं। और मेरे को लगता है कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो उस समय से चले आ रहे हैं। देखिए लोकेशन पेड़ों की काफ़ी हद तक वही है, बस फ्लोरा फाउंटेन के बगल में जो पेड़ थे वो पेड़ वो आज की डेट में नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो बड़े पेड़ थे वो उस समय से लेके आज तक सेम ही बने हुए हैं। तो ये था करीब 100 साल पुराना फोटोग्राफ और चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई का, और आज का कंडीशन कुछ इस तरीके की है। देखिए आज की डेट का क्राउड और उस टाइम का क्राउड कैसा था, उस टाइम भीड़ कितनी कम हुआ करती थी। आप सामने देख रहे हैं एक बस चल रही है, घोड़ा गाड़ी चल रही है और पुरानी गाड़ियां आपको दिख रही हैं, लेकिन आज की डेट में देखिए आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है। तो अंतर फ्लोरा फाउंटेन, चर्च गेट और चर्च गेट के सामने वाली बिल्डिंग कुछ इस तरीके की दिखती थी आज से 100 साल पहले। ऐसे ही पुराने और नए वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। बाय बाय।